नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आतंकवाद किसी भी देश के लिए घातक और गंभीर विषय है, जिसके खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठती रहती हैं। भारत जैसे देश ने तो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। लगभग हर मंच पर हिंदुस्तान आतंक को पनाह देने वाले और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर के देशों को एकजुट करने के लिए आह्वान करता है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच ताजिकिस्तान में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, अजीत डोवाल ने पाकिस्तान में पनपे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी प्रस्तावित किया। डोवाल का ऐसा करना इसलिए भी बड़ी बात रही क्योंकि एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के एनएसी भी शामिल थे। अपने संदेश में डोवाल ने कहा कि भारत 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। इसमें शामिल देशों के साथ भारत के शताब्दियों से भौतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक अंतर संबंध हैं। आतंकवाद का जिक्र करते हुए अजीत डोवाल ने अपने संदेश में कहा कि आतंकवाद की हम निंदा करते हैं, चाहे वो उसका कोई भी रूप हो। आतंकवाद फैलाने वाले, सीमा पार आतंकवादी हमले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों और संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादी पर लागू प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। डोवाल ने आगे कहा कि आतंकवादियों की ओर से इस्तेमाल हो रही नई तकनीकों पर भी पूरी नजर रखनी चाहिए। इसमें ड्रोन, डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल शामिल है। दरअसल ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई एससीओ सम्मेलन के दौरान डोवाल ने रूस के एनएसए से करीब 2 घंटे बातचीत की। इस मीटिंग में भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए भी शामिल हुए थे। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में कुल 8 सदस्य देश हैं। इसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इसमें शामिल देश आपस में सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसकी भूमिका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बनी थी। भारत 2017 में इस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बना था। इससे पहले भारत इसमें पर्यवेक्षक देश था। तो कुल मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी रहेगी। यह भारत के ही प्रयासों और कार्रवाई का नतीजा है कि आतंकवाद को पालने पोषने वाले पाकिस्तान को आज भिखारी बना दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।